अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शाज़ीज़ किचन एंड ड्रीम्स। सो नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी है मोंगरे गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये मौसम सरमा की बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। इसको मटन के बगैर भी बनाया जाता है, यानी कि आलू मटर मोंगरे। तो हमने इसमें गोश्त ऐड किया है, जो इसका अपना ही जायका है। और मटन में भी हमने चांप का पीस लिया है, जो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती हैं। और साथ में हमने घर की होममेड रोटी है, जिसे हमने देसी घी लगाया है। और सर्दियों में, यानी कि विंटर में, देसी घी की रोटी हो चोपड़ी हुई और साथ में गर्मा गर्म डिश हो, कोई सी भी हो सब्ज़ी, तो अपना ही जायका देती है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। लेट्स स्टार्ट। हाफ के जी हमने मटन चांप ली है। तो नाज़रीन, हमने रूटीन वाइज मटन चांप को प्रेशर में डाल दिया है और इसमें एक अदद प्याज यानी ऑनियन, थोड़ा सा लहसुन, एक टुकड़ा अदरक का काट कर, हसबे जायका सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डालकर हमने 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगा लिया है। और अब हमने इसमें 1 कप घी का या 1/2 कप घी का डाल लें। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। एक अदर टमाटर भी हमने ऐड कर दिया था। हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसको अलग से निकाल लिया एक बाउल में। और अब इस मसाले में हम मोंगरे ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 1/2 केजी मोंगरे हैं और 1 प्याली मटर। मोंगरे और मटर हम इसमें ऐड करेंगे 1 by 1 और अच्छी तरह से इसको भूनते जाएंगे। और अब इसको हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे। और नाज़रीन, इसको हम 1 कप मिल्क ऐड करके भून के वेट लगाएंगे फिर से 5 मिनट के लिए। मिल्क के साथ इसकी जो हल्की फुल्की करवाहट होती है वो दूर हो जाती है। मिल्क के साथ हमने थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया था, 1 कप के बराबर। और 5 मिनट इसको वेट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से हमारे मटर मोंगरे बहुत अच्छे से गल चुके हैं इस मसाले में। और अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, जो कि हमने अलग से निकाल लिया था। और अब बहुत अच्छे से इनको फिर से हम भुनाई करेंगे। वन टीस्पून गरम मसाला ऐड करके अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो नाज़रीन, ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से मोंगरे बिल्कुल रेडी हैं अपनी गुड लुक के साथ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी,
मिलते हैं अगली अच्छी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।